फरीदाबाद के गांव जवां स्थित फरीदाबाद केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा ने पैसों का लेन देन बंद कर दिया है, जिसके चलते गांव के हजारों ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि ना तो बैंक में उनका पुराना पैसा जमा किया जा रहा है और ना ही उन्हें नया पैसा दिया जा रहा है, जिससे गांव के लोग बिन पैसे के भुखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। गांव में शादियां भी है। बैंक मैनेजर का कहना है कि उनके पास 14 नवंबर को RBI से लिखित में नोटिस आया है कि 500 और 1000 का पुराना नोट उनकी बैंक में नहीं लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने बैंक में पैसों का लेन देन ही बंद कर दिया है। दूध उत्पादक सहकारी के पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पेंशन धारक हैं, वो सारे बुजुर्ग हैं हमारे गांव के, वो सब बार बार रोज आते हैं, लाइन में लग के चले जाते हैं, पैसे आते हैं ऊपर से 1 लाख और मनमर्जी पैसों का कन्वर्ट करते हैं, दुरुपयोग हो रहा बैंक में। और ये शादी का कार्ड है, ये बेचारी 15-13 दिन से हरासमेंट से परेशान है, इसको ना पैसे दिए जा रहे हैं, 2 लड़कियों की शादी है और बार बार यह बैंक के चक्कर लगा रही। कारण ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक में 1000 के और 500 के नोट लेन देने बंद कर दिए और ये 14 नवंबर से बंद किए हैं। ये लेटर है 14 नवंबर और पैसे की बात है, पैसे मिल नहीं रहे ऊपर से, RBI ही देता है। एक्सिस बैंक में खाते हैं हमारे, वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा, जब पैसा मिलेगा उस हिसाब से लोगों को दिया जाएगा। तो आज पैसे लेन देन का नहीं रहेगा? आज नहीं मिल रहे हैं पैसे। अभी बात की है बैंक से, अपने हेडक्वार्टर से, उन्होंने कहा कि पैसे आगे से नहीं मिल रहे हैं, जब मिलेंगे जब दिए जाएंगे। परेशानी यू है, जो पैसा हमारे दौर थोड़ा बहुत है, हमारा खाता यहाँ और खाता ना है, तो अब यहाँ पैसा नहीं जमा ना कर रहे, अब हम कहाँ करें उन्हें? क्या कहते हैं बैंक में पैसे लेने के लिए आए, जमा करने के लिए? तो क्या कहा अधिकारी? पैसे जमा ही नहीं हो रहे, ऊपर से ऑर्डर आ गया, जमा नहीं हो रहे। अधिकारियों ने कहा है? अधिकारियों तो किस तरह की परेशानी हो रही है? पैसे नहीं मिल रही है, घर के लिए सौदा भी ना, जब 2-2 हजार रुपए मिले हैं, वो भी कभी मिले हैं कभी नहीं मिले, खाद मिल रहा नहीं, अब किससे सिंचाई करें, खाद डालना हो, खाद दे रहे नहीं, चेक पे देना चाहिए सरकारी, वो जब पैसे नहीं दे रहे तो ना चेक पे दे रहे ना पुराने नोटों से दे रहे। तो आप मोदी सरकार के फैसले को सहमत हो? कहाँ सहमत है, दुखी बह रहे हैं हम तो बिल्कुल सहमत, कहाँ सहमत उसके लिए। हाँ जी।